नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, सभी मुख्य समाचार है। तो वही दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, असम में नतीजों से पहले विपक्ष का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में है कुछ बीजेपी के उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, असम में तीन चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नीत गठबंधन ने घोषणा की है कि उसने इस बार खरीद फरोख्त से बचने के जरूरी कदम उठाए हैं और वो काफी सतर्क है। इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि बीजेपी के 5 से 6 उम्मीदवार उसके संपर्क में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों को यहाँ पर जयपुर भी दिया है ताकि बीजेपी खरीद फरोख्त ना कर सके विधायकों की। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस नीत गठबंधन यहां पर सरकार बनाने का भी दावा किया है और कहा है कि 2 मई को बीजेपी के विधायक तय है राज्य से। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है, योगी ने बाबरी केस में फैसला देने वाले जज को उप लोकायुक्त बनाया, अडवाणी मुरली समेत 32 आरोपियों को किया था बरी। आप लोगों को बताते चलें, अयोध्या के ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के रिटायर्ड जज एस के यादव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश का नया उप लोकायुक्त बनाया है। आप लोगों को बताते चलें, ये वही जज हैं, सीबीआई अदालत के सेवानिवृत्त जज एस के यादव हैं, जिन्होंने अयोध्या में हुए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले की सुनवाई की थी और उसके बाद अपना फैसला सुनाते हुए इस केस के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब यहां पर रिटायर्ड जज के उप लोकायुक्त बनाए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज थे सीजीआई रंजन गोगोई, जिन्होंने तब फैसला दिया था राम मंदिर के मामले में और उनको वहां पर बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बना दिया, और अब यहां पर बाबरी मस्जिद ढाए जाने वाले मामले में फैसला सुनाने वाले जज को यहां पर योगी सरकार ने उप लोकायुक्त बना दिया है। इसलिए कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, सुशील चंद्रा नए सीईसी, कुर्सी संभालते ही टेबल पर मिलेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस की फाइल। आप लोगों को बताते चलें, निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी नियुक्त किया गया है। रोचक बात है कि चंद्रा को कुर्सी संभालते ही टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस की फाइल मिलेगी। संभव है कि इस दौरान उनका सामना इस सवाल से हो कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ईव टीजिंग यानी कि छेड़खानी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कोलकाता पुलिस के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ इसी आरोप को लेकर के एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग के पास भेजा गया है इस शिकायत को। चुनाव आयोग को भेजी गई इस शिकायत में जिक्र किया गया है कि पीएम ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहकर के पुकारा, तो वहीं शिकायत दर्ज करवाने वाले बंगाल सिटीजंस फोरम का कहना है कि उनके संबोधन से मंचले उकसावे में आ रहे हैं और युवतियों को इन्हीं शब्दों से यहां पर छेड़ रहे हैं, मंचले पीएम मोदी का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे चुनाव आयोग, ये यहां पर देख सकते हैं मांग की गई है। और अब सीईसी के सामने है पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कृषि कानूनों का जबरदस्त तरीके से विरोध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कम नहीं हो रहा है किसानों का विरोध, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा के मंत्री को वापस लौटने पर कर दिया है मजबूर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलक को रामपुर जिले में ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोधियों में शामिल अधिकतर किसानों ने उन्हें इस दौरान काले झंडे दिखाते हुए वहां से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि प्रदर्शनकारी मंत्री को देख के औलक मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद और कृषि कानून वापस लो के नारे लगाने लगे।
यह सब तब हुआ जब आप लोगों को बताते चले मंत्री यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के लिए चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं स्थानीय किसान नेताओं ने दावा किया है कि करीब 250 लोगों ने मंत्री को इलाके में ना घुसने दिया है और ना ही वहां पर प्रचार करने का मौका दिया है। देख सकते हैं लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं का हो रहा है विरोध और तगड़ा झटका लग सकता है पंचायत चुनाव में बीजेपी को। यहां पर किसानों के विरोध का लगातार सामना करना पड़ रहा है भाजपा को। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठी हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग चल रही है। चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था। इसी बैन के विरोध में सीएम ममता बनर्जी यहां पर आज धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हैं और चुनाव आयोग के फैसले का लगातार विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी यहां पर व्हील चेयर पर ही धरना स्थल पर पहुंची, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी लगातार यहां पर बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं। देख सकते हैं लगातार धरने पर बैठी हैं सीएम ममता बनर्जी और चुनाव आयोग पर एक बार फिर से साधा है निशाना और बीजेपी का पक्ष लेने का लगाया है आरोप। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, चुनाव आयोग ने भाजपा के नेता राहुल सिन्हा के चुनावी प्रचार पर लगाया 48 घंटे का बैन। कूच बिहार को लेकर के दे दिया था विवादित बयान। आप लोगों को बताते चले, बंगाल चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसी मामले में टीएमसी से लेकर के बीजेपी ने जमकर के एक दूसरे पर हमला किया। दोनों ही पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंची। इस दौरान कूच बिहार हिंसा मामले पर बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिसके बाद यहां पर चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर बैन लगा दिया है। इस पूरे मामले में आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग में टीएमसी ने शिकायत की थी और यहां पर बीजेपी नेताओं के चुनावी प्रचार पर बैन की मांग की थी, क्योंकि लगातार बीजेपी के कई नेता यहां पर विवादित बयान दे रहे हैं, बंगाल में दंगे भड़का रहे हैं, ये टीएमसी का आरोप था। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, सीएम केजरीवाल की मांग तुरंत रद्द हो सीबीएसई की परीक्षा। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना बदस्तूर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली भी एक बार फिर से कोरोना महामारी की चपेट में आ चुकी है और हर दिन कोरोना के मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें, मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। केजरीवाल बोले हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना इफेक्ट, लॉकडाउन के डर से पलायन, महाराष्ट्र दिल्ली से बड़ी संख्या में घर को लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें एक बार फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ा है और कई लोगों की नौकरियां जाती हुई दिख रही हैं और एक बार फिर से देश के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन यहां पर शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सूरत में भाजपा दफ्तर के बाहर लगी है लंबी लाइन। आप लोगों को बताते चलें, गुजरात स्थित सूरत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कोरोना संक्रमण के इलाज में उपयोग किए जाने वाले एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को यहां पर फ्री में बांटा जा रहा है, तो वहीं अब भाजपा पर कई सवाल भी इस पूरे मामले को लेकर के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश में कई जगहों पर इस दवाई की कमी है लेकिन भाजपा के कार्यालय में भरपूर मात्रा में ये दवाई सभी को मिल रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, रेमडेसिविर की 5,000 खुराकें निःशुल्क वितरित करने के लिए गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने अवैध रूप से दवा को खरीदने और इसके भंडारण के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है तत्काल। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गुजरात में भाजपा का ये कारनामा सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी ने भड़काऊ टिप्पणी को लेकर के चुनाव आयोग को लिखा है पत्र, बीजेपी नेताओं के खिलाफ की है सख्त कार्रवाई की मांग। आप लोगों को बताते चलें,
तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने कूच बिहार गोलीबारी घटना पर यहां पर कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की है, जिसमें 4 निहत्थे नागरिकों की जान चली गई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब को लिखे पत्र में टीएमसी ने कहा है कि भाजपा नेता दिलीप घोष सहित भाजपा के कई नेता कूच बिहार जैसी और घटनाओं की चेतावनी देकर के लगातार राज्य के अंदर हिंसा भड़का रहे हैं। इसी पूरे मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है बीजेपी की टीएमसी ने। तो वहीं दोस्तों, इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, लॉकडाउन सिर्फ फौरी उपाय है, कोरोना महामारी का हल नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना के मामले दिन पर दिन यहां पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रोकथाम के लिए सभी सरकारें कमर कस चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना बेकाबू है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी है, वो वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलियों में व्यस्त है, उनका कोई भी ध्यान नहीं है ऐसे मुद्दों पर। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश भर में बढ़ते कोरोना के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर एक बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन सिर्फ फौरी उपाय है, इससे कोरोना महामारी का हल नहीं निकल सकता है। यह यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई है, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVTV के माध्यम से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।